नमस्कार, मैं पवन पांडे और आप देख रहे हैं नेशन टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। कांग्रेस के राहुल गांधी ने दिल्ली में इंडिया रेस्क्यू रैली में महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। विरोध में मनमाड शहर भाजपा ने एक माता चौक पर राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का नेतृत्व नासिक के जिला उपाध्यक्ष नितिन पांडे, जिला चिट्ठीकार नारायण पवार, मनमाड शहर के अध्यक्ष जय कुमार फुलवानी, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सचिन दराडे, वरिष्ठ नेता कांतिलाल लुनावत, उमाकांत राय, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष संदीप नर्वदाली ने किया। इस समय भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस देश में रहना होगा, सावरकर कहेंगे जय। इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने विदेशी डीएनए का उपयोग किया। ऐसे गद्दार राहुल गांधी के बैनर ने इस तरह के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया। देशभक्त नागरिक, स्वतंत्रता सेनानियों, सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिनका जन्म स्थान नासिक जिला है। इसीलिए राहुल गांधी ने पूरे देश से माफी मांगी और इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष नितिन पांडे ने मांग की कि राज्य सरकार राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का अपराध दर्ज करे, जिन्होंने देशभक्त क्रांतिकारियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। आंदोलन के अवसर पर शहर के महासचिव एकनाथ बोड़ा